मलिक रियाज साहब ना, उन्होंने भाई साहब ना, बाकी उन्होंने अजीज़ा ना, भाइया ना मशहूर है वहाँ, दोस्तों साथियों ना भी। इससे कोई शक नहीं भाई, पाकिस्तान जब तो भी साजिश शुरू थी नहीं, वो मुक नहीं आकर मैंडे थी गए। इसी में कोई शक नहीं कि खुदा माँ इतना बड़ा दिल देता हुआ और शायद मेरी नीयत साफ है, मैंने तो कोई करप्शन की फाइल नहीं है, मैंने तो कोई बोहतान किसी किस्म में नहीं है। शायद यही वजह है वे कि खुदा माँ इतनी हिम्मत और ताकत देना और इतनी सलाहियत देना कि मैं उन्हें तूफाना ना मुकाबला करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने सारे संगी साथी और दोस्त जड़े हैं वन उन्होंने भी दिफा मुश्किल तरीन हालात भी करेगा। और इक्तदार जो इतना अरसा बाहर रहने के बावजूद मैंने दफ्तर खुले रहे, मैंने स्टाफ बैठा रहा, मैं अपनी हलाल नहीं कमाई, लोगों की खिदमत लाई और ये कोई एहसान नहीं है वे। अगर ये एहसान है वे तो रब ने जात ना मेडे थे है वे कि उस माँ तौफीक देती कि मैं अपने उस माँ हलाल नहीं कमाई भी देती और माँ इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी ईमान देता कि मैं वो लोगों की खिदमत चलावा। कई दफ़ा मैं स्ट्रेना होना कि मैं इतना अरसा सियासत रहा लेकिन इतना अरसा ऐसे नशीब व फराज ही गुम रहा और ये बड़ा मुश्किल टाइम है जो मैं सियासत गुजारा और लेकिन वक्त एक चीज़ माँ जिंदा रखी ली और ये हकीकत गल है। मैं कोई मुबालगा अंदेजी ना पे करें ना कोई एग्जेजरेशन ना पे करें ना, हिक्का गल माँ ये टोरी रखी ली कि रब ने एहसान है मैंने थे कि उस माँ ये तौफीक देती कि मैं लोगों ने हमदर्दी शामिल हो सका और लोगों ने खिदमत कर सका। और यकीन मनो ये मैंने वास्ते एक बहुत बड़ा और हूँ ही मैं सुचेना माँ नहीं पता आज़ाद बंदे ने इलेक्शन लड़ना इस मुल्क के अंदर बड़ा मुश्किल काम होगा और मेरी 5-7 साल की मेहनत है वे जिसना नतीजा ये है कि इन्हें राती 11 बजे तक मेरी टीम माँ कन्फ्यूज़ रखा कि ये कदा टीम ऑर्गेनाइज ना कर सके। राती 11 बजे उन्हें इतलास नहीं पहुंची, असान कन्फर्म सुबह नहीं थी नहीं पी लेकिन 11 बजे इन्हें खबर कटी कि जी टिकट नहीं इन फैसले हो गए। असी को बच्चे ना ये वक्री गल है वे क्योंकि हम तो आप खोटे ना इस तो लोग भी खोटा ना समझने लेकिन असी को बच्चे ना इस सारे नशीबो फराज जो कई बार गुजर के आया और अलहमदुल्ला असा राती 11:30 बजे अपनी मीटिंग की थी और ये डिस्कस किया और डिसाइड किया कि असी अपना मशावरती इजलास बुला के फैसले कर सा। असा उसने अगले दिन यानी 12 तारीख असा शामी वेले लोग इतलावा करनी शुरू की थी, 3-4 घंटे असा इतलावा ते लाए और उसको अगले दिन 13 तारीख 3,000 बंदा अंदाजन 60-62 ग्रामों तो सारे मुअज़्ज़िन अड्डे उस प्रोग्राम ने विच किसी ग्राए चो 4 किसी चो 5 किसी चो 10 जेडे पहुँच सके और असा उसना जेडे को आ गए और असा उन्होंने मुशावरत की थी और अगला प्रोग्राम बनाया। यकीन मनो मैं अगर सुना दसा भी केजे बंदे उस अंदर बैठे हुए और अडे मुखालफ ने मैं मुखालिफ तो सियासी अमन जाती नहीं है मन लेकिन अगर मुखालफ ने भी ग्रामा विचों यूनियन काउंसिल ने इंचार्ज जड़े को बैठे हुए हैं लेकिन वडाई नहीं अल्लाह ताला ने करम है वे कि वो पढ़ता रखे ना असी लोगों ने पढ़ता रखे ने अडे कोई जी जी कहानियाँ आनियाँ और ये जो वाक्य आने असी लोगों ने पढ़ता रखे ने असी अपनी धियाँ भैनों ने पढ़ता रखे ताइयों अज इस शहर ने बेच 550 औरत जी है वे वो अडे नाम मुनजम थी कि टुरनी पी और अड़ी पूरी खुवातीन टीम है वे इस मेडिया मावं मेडिया भैन मेडिया बच्चिया शामिल है मन और उन इतरामन मेरी महफिल जानिया और मेरे ना गल करनिया और मैं इतरामन उन्हें धी भैन समझ के उन्होंने गल करेना ये मेरा पढ़ता है वे अल्लाह ताला ने तरफों मेरे ते रखा हुआ
और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस जज्बे ना लोगों फिरना पाया और असों प्रोग्राम किया। 3000 बंदा बुलावना उतना आसान काम नहीं है। वे उन्हें अपने खर्चे ते आए, उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, अपनी राय दी, हौसला अफजाई की और अस उन्होंने एक कमिटमेंट की कि अगर कोई समझना अस हल्का छोड़ के चले वसा, अगर कोई समझना अस शिकस्त दे के दफ्तर बंद करा दे सन, अगर कोई समझना कि अस हिम्मत हार वसा तो असं उस दसा कि जिस ते अड़ी तवक्कल है, वे जिसनी दिले विच अड़े दिले विच जिसनी मोहब्बत की हरारत है, वे वो जज्बा असं बवन ना देसी और इंशाल्लाह असी अड़े अपने दफ्तर भी आबाद रह सन, इन इम्तिहान भी गुजर वह सन। हारा जित मेरे रब को लेवन, ना हारा ना असी मुकसा तो ना जित ना असी अपनी औकात चो बहर बहने बसा। असी लोगों की खिदमत वास्ते असा नसीब की खिदमत मिली 1060 साल तो मेरा खानदान इतने आबाद है। मेरे आबाओ अजदाद कबरें जड़ी हैं उन 1060 साल तो बड़ी हुई इतने उन्हीं अड़ी निशानियां हैं और वो अड़ी ताकत है। असा इकतदार मिले ताम भी असी आवाम की खिदमत वास्ते आवान, तो न मिले ताम भी दफ्तर खुले रह सन, स्टाफ कायम दायम रह सी, अड़े लोग तुरी खिदमत करने रह सन। कदा इन्हों को बुझ चुक होवे मैं हाजिर होना, मैं अपने फोन अगर न भी चाह सका मैं सिर्फ उन नंबर कई दफ़ा ना चाह सकना या रिटर्न कॉल ना कर सकना जेडे मेरे को नंबर जिन्होंने ना नहीं होने अगू नहीं पता उन्हें को हो सी। लेकिन अगर मेरे को ना हो तो मैं फोन न भी चाह सका, जो मैं हम मौके से खलोता मैं तो न चाह सकना पे उस, तो मैं पूरी कोशिश करेंगे कि मैं उस रिटर्न कॉल करा। कई दफ़ा तो इन ना कि दो दिहाड़े में गुजर गए हैं लेकिन मेरी रिटर्न कॉल जरूर आनी। क्यों आनी? इस तो आनी कि इस खौफे न आनी कि कहने माँ लौड़ पी तो मैं अपने रब की तकीना पे होया तो उस अगर मेरी गल न मनी या मेरे ध्यान न देता तो मैं ना के थी। मैं कहना रब ना, लेकिन मेरी ये जिम्मेवारी है वे अगर तो मेरी तवक्कुल करे ना पाया तो मैं उसकी पूरी दादरसी करा जिस हद तक मुमकिन है। और मेरा किरदार मैं तरीकाकार थोड़े सामने आ गए और बात ये भी गल जेहन च रखो कि मैं इस इलाके ने विच जेडे प्रोजेक्ट्स गिन के आया वह नवामी प्रोजेक्ट्स गिन के आया। मैं उस जमाने पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मैं इतदार ना आया। मैंने एक संगी जड़ा वो मिनिस्टर प्लानिंग बना, मैं उस इस्तेमाल करके तो गबीर डैम ने मनसूबा गिन के आया। 3000 एकड़ उसने आबाद थी बनाया, 30,000 एकड़ और उसकी सारी फंडिंग इमां खुदा से ले विजडम देता क्योंकि मैं इकतदार ना है, मैं सारी फंडिंग जी मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक चु करवाई। मैं आखा जो मर्जी साजिश थी मुझे मनसूबा बढ़सी बढ़सी, लेकिन मनसूबा वो पैसा भी पे हुआ हुकूमतों को, वो मनसूबा भी कागजा च आए तो कदे कदे उस तो बुलडोजर भी ला देने। लेकिन अज 15-16 साल थी गए उसने कहीं काम नहीं किया। उन्हें कहीं मंसूर ना मनसूबा इन थी वे भाई इस नाल आबादी आवेंगे तो लोग ही आखन भी उस काम कराएगा। मां कोई बड़े बड़े वे बादशाह आए तो बड़े बड़े वे लोग आए, मेरे तो कई गुना वे अल्लाह ताला उन्हें इख्तियारात दिते हुए है, ना उन्होंने माल रहन तो ना उन्होंने ना रहन तो ना उन्होंने यादा रही मेरिया यादा भी कोई ना। इस नसल तो अगर आज कोई डैम ने मनसूबा थी भी किया तो जो उन्होंने औलाद होना याद ही ना उसी पर कैस मेहनत की थी। लेकिन पॉइंट तो है बेटा अगर 3000 एकड़ रकबा आबाद हो गया तो आज वो इलाका कथे पहुंचा पे हो गया और उसने भी कितना कारोबार और कितनी उस खुशहाली आ गया। बात में ही सड़क ना अज तक लगान थोड़े सामने आए, मेरे को इकतदार नहीं है लेकिन मैं एहसास तो है ना कि मेरा तलगान शहर जोड़ा है वे वीरान थी ना मैं और इस सारी ट्रैफिक जी वो साइड से थी नहीं पी। और मैं गलत भी ना, मैं अपने कई दोस्तों समाने च आखना उन्हें जो पेट्रोल पंप वगैरह लेने क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो है ही डिवेलपमेंटल इकनोमिक्स, ये मैं बार पढ़न गए हैं तो मैं बारहों तालीम गिन के आया हुआ। और मैं उन्हें आखना उन्हें कि जिमें मनसूबाबंदी आनी पी सी पैक की वजह ना तुम सारे कट ऑफ थी वैसो, कोई मेरी गल नहीं सुनने यार इकतदार वाले तो मेरी गल नेड़ो भी नहीं लगन देने है। लेकिन मैं अपने जेहन एक मनसूबा बनाया
और वो मनसूबा ये है कि अगर मैं सी पैक का लिंक कर देवा वाया तलागंग मोटरवे ने नाल, अगर मैं सी पैक का वाया तलागंग मोटरवे नाल लिंक कर देवा तो वत मेंडा इलाका और मेंडे लोग माँ कोई याद ना रखी सी, कोई ना समझे कि मेंडा ऐजा एहसान है जो क्यामत याद रहा सी, कोई ना याद रखी सी और मैं चाहना भी ना भी कोई इतना याद रखे। लेकिन मैंने जेन जी कर ली अगर ये मनसूबा मैं कामयाब करा के था इतफाक नाल एसन इकबाल उस वेले मिनिस्टर प्लानिंग लग गया और उसी को सी पैक ने वो इंचार्ज है सी पैक अथॉरिटी ने इंचार्ज है, मैं उस गल करके फंडिंग रिलीज कराई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मनसूबा अकबाल तो तराप इंटरचेंज तीन मनसूबा अज जारी वो सारी है, अजी वो मुकम्मल नहीं होया लेकिन उसका नतीजा तक हो जमीन ने रेट बढ़ गए, उत्थे कॉलोनीज बनने लग गई, उत्थे होटल बनने लग गए, उत्थे कई लोग पेट्रोल पंप नहीं जा के रहने लग गए। मैं और वो मनसूबा क्योंकि मैंने अगेन डिवेलपमेंटल इकोनॉमिक्स का फील्ड है माँ पता वो मनसूबा इंशाल्लाह फेल न थी सी, क्यों ना फेल थी सी क्योंकि बलकसर तो अगर तुसी वाया पिंडी तरा पंजो तो फासला बन सी अंदाजन 260 किलोमीटर, फिर तुसी इतों डायरेक्टली वंजो वाया तलागंग वंजो तो फासला बन सी अंदाजन 70 किलोमीटर ना बलकसर इंटरचेंज तो, तो जेड़ा ट्रक बलकसर इंटरचेंज तो पिंडी वंज की उत्थे वैसी और जेड़ा ट्रक है तो सीधा ही वैसी उसे कम से कम 1.5 लाख रुपए ना फर्क पे वैसी वन वे ना, सो नामुमकिन है वे कि कोई कारोबारी 2 लाख रुपए लाख वही ना 1 लाख आवने ना फालतू देवे, इस तो माँ गरंटी है वे कि जिस ट्रक बलकसर तो सी पैक ते वही ना वो तलागंग ने जरिए ही गुजर के वैसी उसको होर रास्ता कोई नहीं है वे और उसने नाल जेड़ी तरक्की और खुशहाली आसी इंडिया सुहावे तो जड़ा ट्रक पहले पिंडी वैसी तो वादू बल्कि उत्थे वैसी द्राप इंटरचेंज से वैसी उसां भी अंदाजन 240 किलोमीटर 230 किलोमीटर उसां फासला पहुंची, सुहावे तो इंटर अपना बलकसर अंदाजन 70 किलोमीटर और इतों अगे 140 किलोमीटर उसां भी 100 किलोमीटर ना फर्क पै वैसी आने ना एक पास वन वे टू वे 200 किलोमीटर ना फर्क पै वैसी, पता नहीं मैं ही इनसे ज़्यादा देना पे तो फॉलो करने पे ना करने पे कोई ट्रक जरा सेंट्रल अपना आज़ाद कश्मीर तो या सेंट्रल पंजाब ने उस हिस्से चो सी पैक के वही ना चासी उसका सब तो शॉर्ट रस्ता और ये मैं कोई हिक इंडस्ट्री नहीं गल ना पे करे ना, मैं लखू कहा कारोबार नहीं और हजारा इंडस्ट्रीज नहीं गल पे करे ना उन सारिया तो गुजर सन ये ट्रेड रूट बन वैसी और जैसे ट्रेड राउट बढ़ सी छोटी जी मिसाल अगर इतों दिन ने 1000 ट्रेलर भी गुजरा वन वे टू वेज 500 इंच और हर ट्रेली ते त्रै बंदे हो और ना 2000 रुपए नहीं रोटी ते चाय भी हल्की पीती रोज नहीं तो 2000 जरबे 1000 समझ गनो भाई ई 20 लाख रुपया पर डे थोड़े हल्के अंदर ऐड हो सी पर डे ऐसा तुम महीने से गिन वनो तो ये 6 करोड़ रुपया बन गया, साल से गिन वनो तो ये 72 करोड़ रुपया बन गया, ये पैसा कदे वैसे को होटल बने सी को पेट्रोल पंप बने सी कोई अपना वर्कशॉप बने सी कोई 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 ऑटो का शॉप बने सी कोई बैटरी सी शॉप बने सी, ये पैसा आम बंदे को गरीब बंदे को वैसी ये उन्होंने को वैसी जो मुलाजमत करनी पैनी या कारोबार करने पे बहुत मेरी एक ड्रीम है वे कि मैंने को इतनी आइडियल सिचुएशन आनी पे जिससे मैं सारे ये तो मैं 1000 ट्रक नहीं गलत कर रहा मैंने अपनी कैलकुलेशन नहीं किया वे कि तो अंदाजन 5 से 7 हज़ार ट्रक रोज में गुजर सी कोई वैसी कोई वैसी क्यों क्योंकि तो सारी सेंट्रल पंजाब की ट्रैफिक कारोबार की ट्रैफिक इस राउट तो गुजर सी तुम तको तलवंग कथे पहुँच पे तुम तको भाई इस इलाके बगैर इंडस्ट्री ने भी मैं गरंटी नाल आखना कि 1000 एक बंदे ना नवा कारोबार बढ़ पौसी और कम से कम 15-20 हज़ार बंदे रोजगार मिल पौसी, बट अगर मैं कामयाब हो गया इतने इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने मैं आप
कोई इंडस्ट्री वंडस्ट्री ना ले सा। मैं उम्र में उस हिस्से अल्लाह ताला मां इज्जत ना खड़े ना पिया जो उस बनिया मजबूरियां और मैंने हालात आ प्रेम किया ते ना कोई इंडस्ट्री ने कारोबार ना इंडस्ट्री ना इंडस्ट्री इज़ अ प्रोफेशनल जॉब इन नहीं कि मैं पढ़ा हुआ ना या मैं उस चला ना सकना बट इट्स अ प्रोफेशनल जॉब जिससे उस बह के काम करना पौना तरीके ना तरीका भी आना बवना भी आना लेकिन मेरा जो मिशन है वे वो यही रहा सी लोगों ने विच रसा लोगों ने गलत सुन सा कदे कोई चंगी गल च करे सी कदे कोई माड़ी गल च करे सी पर वो करे सी तो मैंने ना मैं चंगी भी सुन सा तो मैं माड़ी भी सुन सा और इंशाल्लाह अगर मैं इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में कामयाब हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं ऑलरेडी रबते पे करें जो इसते मेल्टिंग शुरू थी सी यानी सड़क में उत्ते उन कारपेट शुरू हो सी मैं उसी वेले इंडस्ट्रियलिस्ट वे कारोबारियाँ अपने हल्के चढ़े स और मैंने ये टारगेट उसी कि मैं इंडस्ट्रियल स्टेट बनवाव और 30-40 हज़ार बंदियाँ मैं मुलाजमत की गुंजाइश बनाव और मैं 2-2.5 हज़ार बंदियाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा अडे इलाके ने विच न टैलेंट की कमी है वे और न सलाहियत की कमी है वे अडे लोग जिथे भी गए दुनिया ने विच अमरीका च गए फ्रांस च गए जर्मनी गए ऑस्ट्रेलिया गए इंग्लैंड गए जिथे भी अड़े इलाके ने कोई बंदा गया उसकी परफॉर्मेंस जी वो मोर दैन स्टैंडर्ड है और उस अपनी हैसियत अपना मकाम अपनी मेहनत नाल और अपनी लगन नाल और अपनी काविश ने नाल उस अपना मुनफरिद मकाम बनाया असल कोई कमी नहीं है कमी आवे तो वसाइल नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं डिजाइनिंग नहीं कमी आवे मेरी जिम्मेवारी है वे मैं जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं इन्हें चीज़ा पूरा करने की कोशिश करे सा गलियां और नालियां बढ़िया गलियां और नालियां नाल बढ़िया रहा सन मेरी कमिटमेंट इन्हें बच्चों नाल है वे इन्हें नौजवानों नाल है वे इन्हें पढ़े लिखे नाल है वे और मैं ये चाहना कि अड़े लोग बजाय दुबई और सऊदीया और कतर ने या कराची और लाहौर ने अड़े नौजवान नई जगह पर रह के अपनी इज्जत जिंदगी कमाएं और इन्हें तरक्की और खुशहाली मिले कोई कमी नहीं है वे तो गुजरो जड़े नवे सैक्टर्स बने लाहौर तलागंग ने जड़ी नवे कॉलोनीज बननी तलागंग में उन किसी लिहाज ना कराची और लाहौर ने कॉलोनीज तो कम नहीं है वहाँ किसी लिहाज ना जिस घर से बैठे हुए हैं ये कराची और लाहौर ने किसी घर तो कम नहीं है वे और रमण भी आना अस पढ़ने वे मैं अपने भाई को पूछना पे हाँ इसे जो प्रोफेशन है वे मैं इस वाले साहब प्यार ने भाई तो सोनी की कान है कितने फसा के रखा हुआ है इस मैं आप ही आगा जो इस प्रोफेशन है वे अलहमदुल्ला अगर दुनिया चाहे बाहर निकल वजे तो ये 40-50 लाख रुपया महीने में कमाने वाला बंदा है वो पैसा कदे वे अल्टीमेटली ट्रैवल करके पाकिस्तान आसी ये पोटेंशियल है वे ये हिम्मत है वे और अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट करनी लेकिन उस वास्ते थोड़ा जमा पुश भी चाहिए और वो इकतदार ना पुश है माँ यकीन मनो इट इट्स अ टफ जॉब अगर सिंसेयरली करो तो इट्स एन एक्सट्रीमली टफ जॉब कि तुसी सारा दिन सारी रात ट्रैवल भी करो शादी गमी भी अटेंड करो लोगों ने मसाइल भी सुनो सिस्टम चलाओ इतने वखरा दफ्तर बना हुआ चकवाल एक वखरा दफ्तर बना हुआ टमन एक वखरा सिस्टम है ये सारा सिस्टम जड़ा है वे ही असा कोई मुफ्त ने बंदे अपने सिस्टम में नहीं रखे हुए इस तो नहीं रखे हुए कि कल उन लोगों ने पैसे देने तक अगर मैं उन्हें वसाइल ना दे सा तो कल उन लोग दे तके सर लोगों ने जेबा दे तके सर मेरी पूरी कोशिश है वे कि मेरा अमला मेरा दफ्तर लोगों ने खिदमत करे रब ने जात मेरी वसाइल बरकत पैदा और कई साल औखे भी होने असं जिम्मेदार हैं वहाँ मुश्किल भी होने लेकिन मैंने दफ्तर वक्त भी चलना रहना ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है वे मैंने वसे ना काम नहीं है जो कुछ मैं करे ना पाया तो इंशाल्लाह इसी वास्ते इलेक्शन जाने पे हैं अपना निज़ाम बनाने पे हैं दो एक दिहाड़े बाद असी
इंशाल्लाह इस पोजीशन में चुसा कि स्ट्रक्चर मुकम्मल करके ना इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है वे असा स्ट्रक्चर मुकम्मल करना ताकि असी इज्जत के नाल कामयाबी की तरफ करना बाकी मिन जाने बल्ला है वे जो कामयाबी देती उस तो वो तुटी खिदमत वास्ते देसी तो जो न देती उस तो इंशाल्लाह जी जिम्मेवारी सी लाई हुई हज़ार साल तो लाई हुई उन्हें वो अपनी पूरी करेने रसा इन दफ्तर भी आबाद रसन तो असी भी मैं दोबारा मलिक साहब ना भाइयों ना उन्होंने बिरादरी ना शुक्रिया अदा करें इलेक्शन में टाइम बड़ा मुख्तसर हो सी असी शायद घर घर बंज के अपने प्रोग्राम न कर सका घर घर बंज के गल न कर सका मेरा पैगाम तुसा पहुँचा इस तो पहुँचा अगर समझो था अगर समझो कि मैं जी गल करे ना पाया उन अमली तौर पर तुझे सामने आवा और वाकई इंजी थी सी जो मैं पे आखना तो मेरा पैगाम पहुँचा तुसी अपने वास्ते भी और अपने आने वाले नस्ल वास्ते भी एक राह पे हमवार करें दो मेरा टाइम दो चार पाँच दस साल उसी गुजर वैसी लेकिन जड़िया बुनियादा बननी पियान मैं सड़क आके तको चार चार फुट मैं सारी सड़क खटवाई मैं ठेकेदारा मना कर दिता या फॉर्चुनर ने आने पे वरना मना कर दिया मैंने गेट कोई ठेकेदार अंदर वड़ नहीं सकना मैं उन्हें आख्या माँ तुझी ठेकेदार ने जरूरत नहीं है वे कि पता मुलाकात होगी तो माँ हया आवे सिकर तुझे एक्शन कीने वे तुम कम की करो दैट इज माई ओनली रिक्वायरमेंट तुझे नेड़े कोई ना आसी तुसा को तकलीफ ना देसी तुझे माल दें तुझी मशीन दें कोई तकनीक की जरूरत ना पड़ सी मेरी जिम्मेवारी है कम ठीक करो मैंने नाल कमीशन दे के कम खराब करो या ये समझो कि कल मैं तुझे खिलाफ बोल स नहीं ये नहीं हो सकता और अलहमदुल्ला कहीं जरूरत नहीं पी वह मैंने आके मिल सके जो कि मैं रबता कर सके उन्हें मेरे स्टाफ ने मैं खबरदार और मैं उन्हें भी मना किया और अलहमदुल्ला जाके सड़क तक चार चार फुट तो सारी सड़क हिथों गिन के अखबार तो गिन के एहतराब तक उन्हें खट छोड़ी और उसने बिच उन्होंने उसने बेस बनाने पे और इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट भी आवे सी सो मैडा इलेक्शन तुड़ी बकान इलेक्शन है मैडा इलेक्शन तुड़ी प्रोग्रेस और तुड़ी प्रॉस्पेरिटी ना इलेक्शन है मैडा इलेक्शन तुड़े फ्यूचर ना इलेक्शन है मैडा इलेक्शन इस इलाके की शनाख्त और पहचान ना इलेक्शन है मैंने नार खलोवो मां कामयाब करो ताकि मैं जी कमिटमेंट्स है मन अपन उन आसानी ना पूरी कर सका मैं वैसे भी लगा रहा सा लेकिन मां थोड़ी जी आसानी चाहिए क्योंकि जिंदगी ने टाइम बड़ा थोड़ा है वे आज भी अगर इंडस्ट्रियल स्टेट में मंजूर करा सा और काम शुरू करा सा तो इट विल टेक 2 to 3 years बिफोर उसे वो कम प्रॉस्पेरिटी शुरू थी सी सो आई नीड दैट एनर्जी मैं इकतदार होया तो कम आसानी ना थी वैसी न होया तो पता नहीं कबीर डैम ही ना बन वजे कि सारे मनसूबे खाब ने खाब ही रह वे तुटी प्रॉस्पेरिटी ये मेरी अचीवमेंट है वे मेरी को तारीफ करे न करे कोई मेरे ताई तकिए न तकिए अल्लाह ताला इस गल ना गवाह रहा सी और ये मेरा पैगाम तुसन लोगों पहुँचाना इट्स अ शॉर्ट टाइम और इट्स अ लॉन्ग हार्ड विंटर नाइट्स एंड डेज असाई टुर के जुड़ के असाई मेहनत करनी ताजे सारे इलाका इज्जत ना अपना मकाम पा सके मैं दोबारा शुक्रिया अदा करे वे बहुत बहुत मेहरबानी बड़ी लंबी तकरीर होगी मैं बादल सफा बहुत बहुत मेहरबानी।